पांकी रोड स्थित गंगा हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया गया। गंगा हॉस्पिटल के चेयरमैन संजीव तिवारी ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय कामेश्वर तिवारी की पुण्यतिथि के मौके पर यह आयोजन पलामू वासियों के लिए निःशुल्क किया गया है। रक्तदान शिविर भी अस्पताल परिसर में लगाया गया, जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान भी किया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और मोतियाबिंद शिविर का लाभ उठाने पलामू के अलग अलग इलाकों से कई लोग मौके पर पहुंचे थे। चिकित्सकों की टीम ने बताया कि जांच के बाद जिन्हें आवश्यकता होगी उन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। मौके पर संजीव तिवारी ने बताया कि आने वाले समय में भी प्रत्येक 24 दिसंबर को पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर गंगा हॉस्पिटल ऐसे ही निःशुल्क सेवा कार्य करती रहेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इससे बृहद पैमाने पर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जितने भी लोग आएंगे सभी का जांच होगा। जांच के उपरांत डॉक्टर द्वारा सलाह करने के बाद हम लोग उनका ऑपरेशन करेंगे। जितने लोग आएंगे और लोग आ भी रहे हैं बाहर से, वही फोन अभी आया है, दूर दराज से भी आ रहे हैं, चपला से है, कोई कहीं से है, प्लाहू मंडल के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग ऑपरेशन निःशुल्क। गंगा हॉस्पिटल आज हम अपने पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हर एक साल 24 दिसंबर को हमने अब निःशुल्क जांच शिविर, मोतियाबिंद ऑपरेशन और स्वास्थ्य का जो भी स्वास्थ्य संबंधित रहेगा वो हम करेंगे। लेंस कि आज जो है स्वर्गीय कामेश्वर तिवारी जी का आज पुण्यतिथि है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप में जो दिया गया है अच्छा कि नेत्र का ब्लड डोनेशन कैंप जो फ्री में सब कुछ किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। ये यहाँ के सहवासी मौका है, आकर आप जांच करवा सकते हैं। तो साथ में उपलब्ध मोतियाबिंद का ऑपरेशन का भी यहाँ पे सब कुछ फ्री में मुफ्त उठा सकते हैं सब कुछ। और साथ में यहाँ बहुत सारे मेडिकल कैंप लगे हुए हैं जहाँ पे हम सब ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से भी बैठे हुए हैं। अगर किसी को भी ऐसा जरूरत है तो निःशुल्क परामर्श आकर हमसे ले सकते हैं। क्या नाम है? मोतियाबिंद स्क्रीनिंग और ब्लड डोनेशन कैंप, साथ में निःशुल्क चिकित्सा सेवा लगाया जा रहा है। इसका अभी संजय तिवारी जी ने यहाँ के निर्देशन शुभारम्भ कर दिया है और ये कार्यक्रम चलेगा। स्थिति होगी उनका और हमारे कराने का।